कृष्णा, कैसे आप सभी लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो स्वागत है एक और नई व्लॉग में। वो शिट तो तेज हो गई। हाँ, तो मैं अभी, आज मेरा फर्स्ट दिन है क्लास का और मैं क्लास की तरफ ही जा रहा हूँ। लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्लास, थोड़ा सा अंदर से दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। बारिश हो रही है बहुत तेज, बहुत ज़्यादा तेज, तो आप मेरे को तेज जाना पड़ेगा नहीं तो मैं भीग जाऊँगा, बाद में मिलूँगा। ठीक है, चलो वहीं क्लास का दिखाता हूँ कैसा है क्या। कोई दोस्त वगैरह ऐसे में साथ होता ना क्लास में इंडिया से ही, तो अलग ही सिस्टम बैठ जाता। बिल्कुल बारिश हो रही है और मैं ही अकेला हूँ यहाँ, और कोई भी नहीं है दूर दूर तक। अभी तो क्लास की तरफ ही जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको मेरी बिल्डिंग। मेरे ख्याल से कम बच्चे आएंगे क्योंकि बारिश हो रही है ना, फिर भी देखते हैं क्या है। मैं तो गीला हो गया थोड़ा सा, देखो एक दो ही बच्चे दिख रहे हैं मुश्किल से। आज देखते कितने बच्चे इंडियन हैं, कितना क्या है, कितने मतलब कितना परसेंटेज है क्लास में बच्चे इंडियन हैं। क्योंकि तो मैं गया उधर एज होटल स्कूल, वहाँ तो कह दिया कि ये रूम आपका वहाँ पे है मेन कैंपस में, वहाँ जा रहा हूँ। क्लास का टाइम तो हो गया है वैसे, पर कोई बात नहीं, आजकल भगवत गीता सुन रहा हूँ मैं, सोचा बता दूँ, थोड़ा ज्ञान वगैरह ले रहा हूँ, अच्छा लगता है, सही मज़ा तो आ रहा है। अब जा रहा हूँ, तो लेट तो हो ही गया हूँ, खैर देखते हैं क्लास में जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। फिलहाल तो पहुँचने वाला हूँ, पूरा दूर जाना मुझे, काफ़ी दूर बच्चे। और ऐसा हो जाए मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ बोलते कि यहीं पे है, कि भाई पता नहीं, उन्होंने बोला शॉप है, एक शॉप के वहीं पे कॉर्नर में है, वहाँ पे आप पूछ लेना बता देंगे। चलो देखते हैं। ये समझ रहे होंगे कि मैं क्लासेस के बाद यहाँ पे कैसे पहुँच गया, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस तो हो गई, कुछ खास समझ में तो आया नहीं, पर हाँ ठीक गई है, कोई बात नहीं, मंडे से अपना हो जाएगी थोड़ा सा और शुरू। तो अभी हम यहाँ आए थे इनका BRP कलेक्ट करने, वो तो हो गया अपना कलेक्ट, पास उसका बैंक अकाउंट का भी पूछ लिया है। कल फिर से आएंगे, कल या परसों फिर से आएंगे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। यहाँ पे वैसे भी इंडियन तो दिख नहीं रहे इतने, पर है काफ़ी। और मेरी क्लास में, इनकी क्लास में 80% बच्चे इंडियन हैं, और मेरी, अरे टेस्को पहुँच गई क्या? नहीं, और मेरी क्लास में इकलौता मैं ही इंडियन हूँ और मुझे चाहिए था कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे मतलब मेरी क्लास में 80% इंडियन हो, पर मुझे मिले नहीं सारे के साथ। अरे यार इंडियन तो होने चाहिए, फिर भी मन सा लगा रहता है। अब मैं वहाँ इकला, वो चलो पहली क्लास तो समझ आ गई, पर दूसरी क्लास में जपड़ 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 थोड़ा बहुत ही समझ आया, ज़्यादा कुछ समझ आया नहीं। फाइनेंस वगैरह का पढ़ाया था, फाइनेंस का आप लोगों को पता ही मेरी कितनी तगड़ी मैथ है। किधर जाना है? हम रोड पे क्यों चल रहे हैं फिर? हाँ तो बारिश हुई है, बढ़िया तकड़ा मौसम हो रहा है, कुछ और निकल जाता, कोई बात नहीं। अभी चल रहे हैं हम, बहुत दूर से आए हैं, चलते चलते बस में गए थे, शॉर्ट्स वगैरह देख ही लिए होंगे, पर बस में गए थे। गाड़ी वगैरह के रेट देखे हैं, चिप्स खाया है अभी एक पूरा पैकेट, बिल्कुल भी वो नहीं थी उसमें मिर्ची, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ भाई देख ले, ब्लॉग बना रहा हूँ। हाँ तो आप देख ले, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो बता देंगे। अभी तो अपने वहाँ से घूम घाम के आ गए हैं टाउन से, सब चीज़ काम वाम करके, बैंक वगैरह का पूछ पाछ के आ क्या मैं, आप तो बहुत पहले गया था 3:30 बजे, अब तो 6 बज रहे हैं। थोड़ी सी रोशनी थी तो थोड़ा सोचा कि बाहर चलते हैं, इस व्लॉग को भी थोड़ा सा लंबा खींचना लंबा तो नहीं, हाँ मतलब वो तो मैंने अभी एडिट कर रहा था, 4-5 मिनट का ही है, तो सोचा यार और ऐड करो इसमें, इतना छोटे का क्या करेगी पब्लिक। फिर हम एक जगह और गए थे एल डी, तो वहाँ पे ना काफ़ी सस्ता मिलता है सामान, ग्रोसरीज वगैरह, तो पहले आप उसकी वीडियो देखो।
पियर मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसे, पियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पियर को अनानास, 140। खीरा खीरा लार्ज खीरा 96 का एक ऐसे, ठीक है। टमाटर एक पाउंड में 100 रुपये, 1 किलो का कितना है, 250 ग्राम, 1 पाउंड 100 रुपये। गाइस देखो सिरका मिल रहा है, सिरका हमारे गांव में सिरका बोलते हैं, सिरके में खीरे डुबा रखे हैं, तेल वगैरह, ऑलिव ऑयल 220, विनेगर 140, एप्पल विनेगर 200, कप नूडल्स 69 70 रुपये, 85 रुपये, 35। देखो गाइस दूध मिल रहा है 99p 1.5, ठीक है, ये ऐसे ही है, मतलब लगा लो 1.5 तक के नेक्स्ट में। और यहीं दूसरे हाथ पे बियर मिल रही है बोतल 1.5 की, तो इससे अच्छा आदमी वो नहीं लेगा, क्या बोलते हैं, दूध भी लेगा इससे, अपने मरेंगे इससे, दूध पी के अपना सेहत बढ़िया। देख लो अगर किसी का कोई मेरा नया हो, देखो कोरोना भगा देती है, कोरोना एक्स्ट्रा। और ये क्या है, वुड पता नहीं क्या है, देख लो 10 पाउंड 11 और 10, 10.59। हाँ देख ली, अब देखने के बाद अब देखो मेरे को, तो मैं अभी यहाँ चल रहा हूँ रास्ते पे अकेला, मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं, पर अब थोड़ा सा मन ऊकस आ गया है, क्योंकि 2 दिन तो शुरुआत के ऐसा लगा था हाँ भाई मस्त है बढ़िया है, अपना अब तो यहीं रहना है ज़िंदगी भर। आज क्लास में बैठा था, क्या बोलते हैं, आज मेरी क्लास का वैसे पहला दिन था बता दूँ तो आपको, तो मैं बैठा था जब, तो अच्छा लग रहा था क्लास में, पहली क्लास अच्छी गई, अच्छा लग रहा था यार, हाँ वाओ मस्त है, ऐसे पढ़ेंगे नॉलेज गेन करेंगे। फिर एक ख्याल आता है यार, ये 3 साल है, 3 साल बैठना है अभी यहाँ में, अभी 3 साल के बाद यार, 3 साल का ये सोच के टेंशन पैदा हो जाती दिमाग में भाई। अगर कोई बाहर का देख रहा है, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा या बैचलर्स के लिए यहाँ आओ, मेरे को 1 हफ्ता हो चुका है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो मैं 100% बोल रहा हूँ, गारंटी बोल रहा हूँ, हो लेता हो तब तक दिमाग ख़राब उसका, मतलब हो लेता अब तक तबाह, पर हाँ मैंने थोड़ा संभाल रखा है क्योंकि है कुछ ऐसे ही बस, क्योंकि हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, हिम्मत बहुत है। और मैं आया अभी वहाँ होता ना दिल्ली या इंडिया में, वहाँ मेरे को थोड़ा सा रात के टाइम डर सा लगता है, यहाँ तो आके बदकरी नींद आई सो गया उठ गया जिम चला गया, यहाँ थोड़ा सा टाइम में मन लगाना पड़ता है, जानबूझ के लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी करे जाओ बस यूं ही। फिलहाल तो अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, कुछ सामान देखते टेस्को से लेके आते नहीं आते, 6 बज रहे हैं, एक ना रोड ऐसे खाली रोड हो जैसे वहाँ पर तन्नू नकुल अपने भाइयर होते आराम से ऐसे चल रहे होते, हम तो किसी को ढूंढ रहे होते क्यों नकुल मारने के लिए, क्या हो यार बहुत दिन हो गए कोई हत्या नहीं चढ़ा अपना, एक लगाएंगे ऐसे घूम रहे होते, मजाक का इस कोई बात नहीं, ऐसे हम करते अपने मामा घर करते हैं, कोई बात नहीं। अब चलो देखते हैं, यूनिवर्सिटी तो बहुत ही क्या, वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट की साइड रहता है, मैंने बोल दिया उनकी, मैं कॉल कर दूँगा आपको अभी, आप नहीं जाना। और एक और बात जिससे मेरा मन थोड़ा सा लग नहीं रहा, और मतलब मन तो लग रहा है इसी बात, मम्मी टेंशन वाली बात नहीं डैडी बिल्कुल भी, मन बिल्कुल परफेक्ट है, मगर मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ ना, अगर मेरी क्लास में एक और इंडियन हो जाता तो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि बैचलर्स के लिए कोई आता नहीं, बैचलर्स के लगते पैसे और सब आते मास्टर्स के लिए, पर अंशु है एक पागल, अंशु को क्या पता था ये वाला हाथ दर्द कर रहा है, तो मैं इस वाले पे स्विच करूँगा। हाँ तो अंशु है पागल, अंशु ने सोचा कि हाँ भाई चलो चलते हैं, वीडियोस देखता था लोगों की जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे क्या बाहर अब्रॉड, उनका तो यार वाह ये तो ऐसे कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, अभी तो मुझे भी काम देखना है, अभी तो मुझे भी ढूंढना है, मुझे भी देखो मिलता है नहीं मिलता है, अब दिसंबर की छुट्टियाँ चालू होगी। और एक और चीज़ ने कर दिया,
क्या बोलते हैं क्लास में, सेकंड जो क्लास हुई उसमें बोला कि तुम्हारा क्या बोलते हैं सब कुछ समझाया फाइनेंस वगैरह का रिलेट, जो भी मतलब करते हैं इवेंट वगैरह में फाइनेंस वगैरह कैसे संभालते हैं। तो उसके बाद पढ़ाने के बाद उसने एक शीट दिखाई, उसमें था कि यहाँ पे होटल है, एक होटल टाइप है, मतलब होटल है, उसमें हमारा थोड़ा सा वो होगा प्रैक्टिस वगैरह, उसमें हमें पार्ट लेना है और हमें उसमें मिलेंगे अलग अलग रोल और वो रोल हमें निभाने हैं। जहाँ तक जो मुझे समझ आया बता रहा हूँ, ऐसे समझ तो आ गया, जरा 8 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी। अगर तुम बाय चांस नहीं आ पाते तो तुम्हें कॉल करके बताना पड़ेगा कि हाँ भाई नहीं आ पा रहा है, मतलब नहीं आ पाऊँगा, दिस इज द रीज़न, सो आई वॉन्ट मेक इट। फिर अगर नहीं बताया तो तुम्हारे ग्रेड्स कटेंगे। यार ये क्या मतलब है, हम नहीं आ पा रहे, हम अपना अलग पार्ट टाइम देखेंगे कि यहाँ अपनी ऐसे ऐसे करवाएंगे 8-8 घंटे तक, ये कोई मतलब नहीं था। छोड़ो यार, अभी तो 2 ही दिन है, अभी तो 3 साल ये झंझट पाल लिया, चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है डैडी मम्मी, बढ़िया है बिल्कुल सेट। और एक दोस्त मिल गया यार, एक अच्छा दोस्त मिल गया, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जो एक दोस्त होता है ना, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक दोस्त होता है ना वो सबसे अच्छी चीज़ होता है, क्योंकि वो किस्मत से मिलता है, कीमत से नहीं। क्यों ना अंकुल, एग्री करता है मेरी बात को क्यों तन्नू, सही कह रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। और भी अपने हर्षित भाई, गोलू भाई, पर ये दो कमीने हैं ना, ये तो बहुत क्लोज है। और एक लक्सी है क्या, क्लोज बहुत ज़्यादा ही क्लोज है एज अ फ्रेंड, मतलब फ्रेंड क्या भाई, बिल्कुल जिगरी सब चीज़, मतलब एक होता नहीं है रिलेशन सा, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एक एक चीज़ पता है वो, एक एक चीज़ जब भी। हाँ चलो कोई नहीं, बहुत हो गया आज के लेक्चर में, मेच्योरिटी ठीक है ना, बहुत है आज के लिए, चलो चलते हैं। गाइस देखो, तीनों गाड़ी चार्ज हो रही है, पोशा टेस्ला पीआई को तो बाय बोल दिया है, घर तक छोड़ दिया उनके। अब जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, बनाने के लिए, सोयाबीन सोच रहा हूँ, सोयाबीन बनाऊँ, दिख तो रहा हूँ ना क्लियर, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो दिखाता हूँ आपको आज कैसे बनेगी सोयाबीन। स्वागत है आपका मेरे लंदन की रसोई में लंदन क्यों कहता हूँ बार बार, इंग्लैंड की रसोई में। चलो चलते हैं। गाइस देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान, मैं सोयाबीन की सब्जी नहीं बना रहा, मैं बना रहा हूँ चावल प्लस सोयाबीन। देखो देखो, देखते कैसे बनेंगे, इससे पहले वाले तो इतने मजा नहीं आया, उसमें मसाला डाल के खाना पड़ा, बना तो मैं वो बना के मिलता हूँ। फिर इस ब्लॉग की एंडिंग भी करनी है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, अगर हो जाएगा तो तुम्हें एंड में वो नहीं मिलेगा, मजाक कर रहा हूँ, बता दूंगा, बाय कर दूंगा, ठीक है, जब चाह रहा हो दिखा दूंगा।